इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन इज एक्स क्यूब प्लस टू बाई एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू क्यूब, ये करना है। यहां पे आपके सामने क्यूब है और क्यूब को कैसे डील करते हैं मैंने थोड़ा सा बताया था, बस मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, फिर 10-20 सेकंड फिर बताता हूं। जस्ट गेट अवेयर ऑफ, देखिए जो भी फैक्टर्स हैं उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, दिस इज इक्वल टू ए बाई एक्स माइनस वन प्लस बी बाई, इंटीग्रेशन साइन हटाओ, पहले मैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में देख रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है ए बी सी डी। अब डी तक कैसे पहुंच गया समझो इस चीज को, एक्स माइनस टू स्क्वायर प्लस डी बाई एक्स माइनस टू क्यूब, ठीक है। यहां तक बड़ी आसानी से कर लिया हमने, अब मुझे सिर्फ एक दो वेरिएबल, चार के चार वेरिएबल चाहिए ए बी सी डी। तो यहां पे ए कैसे मिलेगा आप देख लो, एक्स माइनस वन फैक्टर इफ यू रिमूव इट फ्रॉम हियर, सो एक्स माइनस वन में से जो वन पुट करोगे यहां पे दिस विल गिव यू वन ए, ए क्या आ रहा है आप देख लीजिए फटाफट, अब नोट कर लेना क्योंकि मैं मिटाने मिटाऊंगा अभी, स्पेस नहीं है ज्यादा। If you put 1 here, you'll get 1 plus 2 and 1 minus 2 ka cube, yani minus 1. So, A is minus 3, right? A is minus 3. Aa gaya A minus 3, right? Okay, ek aur variable hai, jo hum bari aasani se nikal sakte hai, wo hai D. X minus 2 ke cube ko le liya, hata diya. Ye aapko D deta hai, dhyan dena. C nahi deta, D deta hai. पूरा का पूरा पावर होना चाहिए। Now put x is equal to 2 in this. So this is 8 plus 2, 10. So आपको d भी मिल गया और a भी मिल गया, ये लिख लिया आपने। अब जो पंगा है अब है कि जब x2 पुट करने पे d आ रहा है तो c कैसे मिलेगा x3 पुट करने पे, यहां भी तो नीचे 2 ही फैक्टर है तो 2 पुट करने पे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, 2 पुट करने पे तो d मिल रहा है तो c और p कैसे मिलेगा ये ध्यान रखना है। तो एक a के लिए मैं लिख देता हूं माइनस 3, d के लिए लिख देता हूं मैं 10। अब बचा b एंड c, इसके लिए आपको थोड़ा सा 3-5 करना पड़ेगा। आप क्या कीजिए, दोनों तरफ x माइनस टू से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों तरफ x माइनस टू से मल्टीप्लाई कीजिए या x माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दिया यहां पे हर जगह, करने से क्या हुआ, करने से ये हुआ ये कैंसिल हो गया और सिर्फ b अकेला मिल गया तुम्हें, बी अकेला मिल गया और यहाँ पे c by x minus 2 स्क्वायर था और नीचे पावर 1 था, सो फाइनली इट बिकम्स c by x minus 2 प्लस 10 by x minus 2 स्क्वायर। कैन यू गेट b फ्रॉम दिस इक्वेशन, कैसे b कैसे मिलेगा सोचो, यहाँ तक समझ में आ रहा है हर्षिता, सब कुछ क्लियर है सर? हम लोग डी के लिए 2 बिठाए एक्स का वैल्यू, हाँ तो हम लोग वो वही प्रोसीजर है, ये ट्रिक है, इसके अभी लॉजिक नहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस ये देखो कि जो हाईएस्ट पावर है ये पूरा पूरा फैक्टर है, तो जैसे 1 बिठाने पे ए मिल जाता है तो 2 बिठाने पे ये नीचे पूरा जहां पे है वो मिलेगा, ठीक है। अभी मान लो इसको कर लो, अब मुझे b चाहिए, b के लिए
मुझे ये सारा हटाना पड़ेगा। अगर मैं एक्स को, हाँ, इफ एक्स अप्रोचेस टू, मेरे को बताओ अगर एक्स टू के अप्रोच करेगा तो नीचे क्या हो जाएगा? नहीं नहीं एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी, सॉरी, इफ एक्स एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी तो ये पूरा क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी माइनस टू इन्फिनिटी। अब ये पूरा बताओ, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? अरे बताओ, मतलब दोनों तरफ मैं x अप्रोचेस इनफिनिटी कर दूंगा तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा जीरो, ठीक है? ये भी जब x अप्रोचेस इनफिनिटी होगा ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है? तो यहां पे लिखो इफ x अप्रोचेस इनफिनिटी तो क्या क्या इक्वल करेंगे, कैसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इन्फिनिटी बाई, यहाँ पे लिमिट लग जाएगा, लिमिट एक्स क्यूब प्लस टू बाई एक्स माइनस वन x माइनस टू स्क्वायर, यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, x को इन्फिनिटी पहुंचाओ तो क्या मिलेगा यहाँ पे देख लो, और यहाँ भी लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी क्या मिल जाएगा? माइनस थ्री x माइनस टू बाई एक्स माइनस वन, यहाँ मिलेगा सिर्फ b, और x अप्रोचेज इन्फिनिटी से ये जीरो और ये भी जीरो। आप देख पा रहे हो कि b आपको अकेला मिल गया, अब यहां से b की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है? ऐसे आपको 12th में तो नहीं मिलेंगे, बट थोड़ा सा एडवांस है, कोई बड़ी बात नहीं है, समझने वाली बात है कि हम दोनों तरफ x कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो x इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है ये भी क्यों नहीं पुट कर सकते? कर सकते हैं, इससे हमें मिल रहा है बी सी डी, डी तो मिल गया, बी सी मिल रहा है, तो अभी फिलहाल बी मिल रहा है, तो चलो कर लो फिर। यहां पे मैं एड इसको हटाता हूं, तो यहां पे x अप्रोचेस इनफिनिटी है, तो यहां पे क्या होता है जब दोनों का पावर, इसका आंसर बताओ मेरे को, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों का पावर सेम होता है तो आंसर क्या होता है? दोनों के कोएफिशिएंट का रेशियो, तो यहां ऊपर का कोएफिशिएंट 1 है और नीचे का कोएफिशिएंट भी कितना है? 1 है, लिमिट में पढ़ा था। यहाँ पे कोएफिशिएंट का रेशियो माइनस थ्री एंड वन, दोनों का डिग्री सेम है, प्लस बी, तो यहां से आपको बी की वैल्यू भी मिल गई, कितनी? प्लस थ्री, बी मिल गया प्लस थ्री। तो क्या लिख दिया जाए यहाँ पे मिटा के, यहां लिख दिया जाए बी यानी कि प्लस थ्री बाई एक्स माइनस टू। अब आपके सामने सब कुछ है, ए है बी है डी है, सिर्फ सी नहीं है, ये तो x प्लस टू से मल्टीप्लाई किया था ना बाद में x माइनस टू से, तो ये जो ओरिजिनल इक्वेशन था वो यही है, ए मिला बी मिला डी मिला सी बाकी है। सी कैसे मिलेगा बताओ, इस इक्वेशन में सी की वैल्यू कैसे आएगी? मैं बोलूंगा कोई भी x की वैल्यू रख लो, c की वैल्यू आ जाएगी। आप चाहते हो x जीरो रखना जीरो रख लो, वन रखना वन रख लो, थ्री रखना थ्री रख लो, कोई भी x की वैल्यू रखोगे तो बाकी सब खत्म, सिर्फ c बच जाएगा। तो क्या रखें, वन रख लिया जाए? हाँ नहीं, वन नहीं रख सकते, तो वन नहीं रखना है और टू नहीं रखना है, क्योंकि नहीं रख सकते, तो क्या रख सकते हैं? जीरो रख सकते हैं, जीरो रखो, ऊपर क्या आ जाएगा? टू, नीचे माइनस वन, माइनस टू, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस वन, प्लस थ्री, माइनस टू, प्लस सी, फोर, जीरो रखा है इसको, प्लस टेन, एट, यहां से तुम्हें सी मिलेगा। ये हो गया वन, ये हो गया थ्री, ये हो गया माइनस थ्री बाई टू, प्लस सी बाई फोर, प्लस फाइव बाई फोर, तो दिस इज इक्वल टू, वन इज इक्वल टू थ्री बाई टू, माइनस फाइव बाई फोर इज इक्वल टू सी बाई फोर। यहां से आपको सी मिल रहा है आसानी से, सिक्स बाई फोर माइनस वन बाई फोर कितना हो गया? वन बाई फोर, सी इज इक्वल टू वन, तो सी की वैल्यू आ गई फाइनली।
देख लो कहीं दिक्कत हो तो बता दो। पार्शियल फ्रैक्शन का अंत कर देंगे, हो गया, हो गया, देख लिए, हो गया। हाँ ठीक है, इसको दोबारा कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है, प्रॉब्लम होगी फिर पूछ लेना। एक और अगर मन करे तो इसी टाइप का क्वेश्चन मैं डाल देता हूं, आप घर पे ट्राई कर लेना। dx by x to power 4 plus x cube, ऐसा ही क्वेश्चन है। x cube कॉमन निकालोगे फिर x plus 1 आएगा, उसके बाद एक बार नीचे x होगा, एक बार x square होगा, एक बार x cube होगा, फिर ऐसे ही उसको भी कर सकते हैं, लिमिट का हेल्प लेके कर सकते हैं। तो लिमिट एक लिमिट चैप्टर में ही यूज नहीं करना, लिमिट एक कॉन्सेप्ट है कि जब हमें x को इन्फिनिटी लेने की जरूरत पड़ेगी तो हम x अप्रोचेज इन्फिनिटी करके लिमिट की जितनी प्रॉपर्टीज है उसको यूज करना शुरू कर देंगे और वो हम कर सकते हैं। ठीक है, लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन। जहां रूट ही रूट दिखाई दे आपको हर जगह, वैसे फंक्शन का इंटीग्रेशन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं जहां रूट ही रूट दिखाई दे वैसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन dx by रूट क्यू, क्यू का मतलब क्वाड्रेटिक। कैसे करते हैं इसका इंटीग्रेशन, याद है? सर एकदम मेरी आवाज, क्या आवाज नहीं आ रही? देखो अभी आवाज, हेलो चेक, हेलो चेक, आवाज आ रही है? अब बोलो, आवाज आ रही है नहीं आ रही है? अब आ रही है। इतनी देर के बाद बताया, हम लीव करके वापस ज्वाइन किए ना। अच्छा अच्छा, तो ये देखो dx by root q है, तो root q का मतलब quadratic है, यानी कि आपको ऐसा ऐसा कुछ मिलेगा, dx dx by कुछ भी 2x square plus x plus 3, ये रूट के अंदर। कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, हम पहले भी कर चुके हैं, हम कोशिश करते हैं क्वाड्रेटिक को एक परफेक्ट स्क्वायर प्लस समथिंग या माइनस समथिंग में, उसके बाद ये रूट में होता है। प्लस होता है तो अलग कहानी करते हैं, माइनस होता है तो उसके लिए अलग रूल होता है, सारा का सारा आप कर चुके हो। यानी कि अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो या क्वाड्रेटिक का रूट हो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, पहले भी कर चुके हैं। न्यूमरेटर में अगर क्वाड्रेटिक का ही रूट हो तो यहां भी वही होगा, परफेक्ट स्क्वायर प्लस माइनस सी होगा। तो वहां पे जो बड़ा सा फॉर्मूला था x बाई टू, है ना, x बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस माइनस जो भी है साइन इनवर्स x बाई ए ln x plus x square plus a square by root plus c, ये सब याद है ना, थोड़े दिन पहले ही कराया था ये। तो ये रेशनल फंक्शन का ऐसे ही करते हैं, ये दो हो गए रेशनल फंक्शन। और आगे देखिए इंटीग्रेशन बाई लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, सोचो याद करो क्वाड्रेटिक का जो जो डेरिवेटिव होगा वो लीनियर ही होता है, तो हम यहां भी कर सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव हम ऊपर लिख देंगे, यानी कि जो भी लीनियर फंक्शन है उसको इसके डेरिवेटिव के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, बस हो जाएगा। तो हर सिचुएशन में हम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर लीनियर क्वाड्रेटिक दिखाई दे यहाँ पे तो भी यही करेंगे, इसका डेरिवेटिव यहां मिलेगा, इसी को मैनिपुलेट कर लेंगे। जैसे मान लो इसका डेरिवेटिव आ गया 2x प्लस 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3x, ठीक है, यहाँ पे 3x लिखा हुआ है और इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 1 है, तो क्या करेंगे, 2x प्लस 1 लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे 3 by 2, तो एक्चुअली 3x ही लिखा हमने और एक्स्ट्रा ले लिया माइनस 3 by 2, तो माइनस 3 by 2 माइनस कर दिया और नीचे जो क्वाड्रेटिक था या यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में जो क्वाड्रेटिक था वो क्वाड्रेटिक है ही। तो एक बार दिस इनटू दिस तो ये आसानी से हो गया सॉल्व, और एक बार दिस इनटू दिस तो ये भी कर सकते हैं, ये इस ऐसे करके।
तो इस तरह कोई भी फंक्शन हो आप कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे, ये सब आप कर चुके हो, यू आप बिलीव करो और अपने कॉपी में पूरे पहले देखो आप ये कर चुके हो। अब जो मैं बता रहा हूं उसमें थोड़ा सा आपको याद रखना है बस, इन सब का कॉन्सेप्ट यही है, क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाइए बस, उसके बाद अपना आप काम होने लग जाएगा। ये देखिए लीनियर लीनियर ये वाला फंक्शन हो, लीनियर क्वाड्रेटिक ये वाला फंक्शन हो, क्वाड्रेटिक लीनियर ये वाला फंक्शन हो, या क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक ये वाला फंक्शन, ये सब भी इरेशनल फंक्शन है देख लो आप। तो दो बातें याद रखनी, तीन बातें याद रखनी इन सब के लिए, जब भी लीनियर रूट के अंदर दिखाई दे तो जो भी लीनियर फंक्शन हो, लीनियर फंक्शन क्या होगा, 2x plus 3, x minus 7, कुछ भी, उस लीनियर को हम t का स्क्वायर ले लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, बड़े मजे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इन सब को याद ही रख लेते हैं, उस समय अगर आप सोचोगे क्या माने नहीं माने उतना टाइम नहीं है, सिर्फ इसी को लेके आगे बढ़ेंगे तुरंत मान लेंगे, तुरंत हो जाएगा। लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक का रूट हो तो क्या करेंगे, 1 बाई टी मानना है इसमें, किसको, लीनियर एक्सप्रेशन को, जो भी लीनियर एक्सप्रेशन है उसको 1 बाई टी मान लेना है, जैसे यहाँ पे 2x plus 3 है तो 2x plus 3 को 1 बाई टी मान लेंगे, फिर dx निकाल लेंगे dt करके आराम से हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्चुअली है क्या, x का फंक्शन है, दोनों क्वाड्रेटिक ही है, यहाँ पे हम क्या करेंगे x को 1 बाई टी मान लेंगे। क्या आप इतना याद रख सकते हो, तीन चीज, लीनियर हो तो t का स्क्वायर, लीनियर हो तो 1 बाई टी, और लीनियर क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक हो तो x इज इक्वल टू 1 बाई टी, लीनियर क्वाड्रेटिक हो तो लीनियर इज इक्वल टू 1 बाई टी। देख लो इसको आप छाप लो दीवार पे लिख लो, ये आपको रिक्वायर्ड है। अभी इस पे एक दो क्वेश्चन आपको करना है, कर लिया ठीक है, आप लिखिए क्वेश्चन, dx by x into x plus 1, इसको सॉल्व करिए करिए आराम से, x को मान ले t स्क्वायर, इसमें x प्लस 1 को t स्क्वायर मानना है, जो भी लीनियर है उसको t स्क्वायर मान लिया और आगे बढ़ गए, हो जाएगा। और इसमें क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक, देन टेक x एज 1 बाई t और फिर आगे बढ़ जाइए, हो गया खत्म। तो सर ये आएगा 2t dt by t t square minus 1, देखो मैं करता हूं आप देखना, इसमें मैंने x छोटा छोटा लिखता हूं, x plus 1 को t square ले लिया, dx becomes 2t dt, तो integration of 2t dt by, अब यहां पे x को बनाना पड़ेगा t square minus 1, x is equal to t square minus 1, और x प्लस 1 का रूट क्या हो जाएगा, t, t से t कैंसिल हो गया, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी, तो ये हो गया 1 बाई 2a, तो 2 से 2 कैंसिल, ln t माइनस 1 बाई टी प्लस 1, टी एक्स प्लस 1 लिया था, टी एक्स प्लस 1 का रूट लिया था, यही आंसर है, हो गया।
ठीक है, नेक्स्ट में जो बोला गया है बस उसको फॉलो कर लेना है। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक तो सीधा क्या करना है, x इज इक्वल टू वन बाई टी, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टी स्क्वायर डी टी, बस जो बोला गया फॉलो करना है। अगर नीचे क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक का रूट हो तो यही काम करेंगे। तो डी एक्स को क्या लिखेंगे, माइनस वन बाई टी स्क्वायर डी टी, और एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, वन बाई टी स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वन को क्या लिखेंगे, देख लो, वन बाई टी स्क्वायर प्लस वन, और ऊपर तो लिख ही दिया, ठीक है, ये दोनों कैंसिल ही हो गया, सही है ना। हाँ, तो अब आपके सामने सिर्फ यही दिख रहा है, नेगेटिव टी डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस वन, यही दिख रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हो, आपका सीधा आंसर आता है ये। अगर आपको याद नहीं है तो आप सिंपल सा कर लो, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर टू टी लिख रहा है, टू टी लिखा हुआ है, माइनस भी है ना, और नीचे टू भी है, क्या ये कर रहे हैं सर, टू टी टू से मल्टीप्लाई या टू से डिवाइड किया, अब आपको दिख रहा है ना टी स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव यहाँ आपको ऊपर लिखा हुआ है, डी एम बाई रूट एम विद माइनस हाफ, है ना, माइनस हाफ यहाँ पे है ही, अब एम पे पावर प्लस हाफ बाई हाफ, तो क्या गया माइनस रूट एम, यानी कि माइनस ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, जो कुछ भी होता है ये इसका आंसर क्या होता है, माइनस ऑफ माइनस ये वाला साइन के लिए, और इसका इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर प्लस वन, सीधा मैंने सॉल्व भी कर दिया और ऐसे भी कर दिया, आपको जैसे करना है कर लीजिए। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, माइनस ऑफ रूट टी स्क्वायर प्लस वन, तो आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, माइनस ऑफ रूट टी स्क्वायर, माइनस ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई एक्स स्क्वायर, तो दिस इज नेगेटिव वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, हो गया, देख लीजिए और नेक्स्ट ट्राई कीजिए ये वाला। हो गया, आगे बढ़े। तो एक है लीनियर, दूसरा है क्वाड्रेटिक का रूट। जब लीनियर रूट के अंदर होता है तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, लीनियर को टी स्क्वायर लीजिए, और यहाँ पे लीनियर नहीं क्वाड्रेटिक रूट के अंदर है तो दो केस बनता है, दोनों क्वाड्रेटिक हो तो एक्स वन बाई टी लेंगे, और अगर ये क्वाड्रेटिक हो और एक लीनियर हो तो क्वाड्रेटिक का जो लीनियर जो है उसको वन बाई टी लेंगे, यानी कि x प्लस वन को वन बाई टी लेंगे, तो dx क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टी स्क्वायर डी टी, सो dx इज इक्वल टू माइनस वन बाई टी स्क्वायर डी टी, और x प्लस वन को तो वन बाई टी ले ही रहे हो, फिर x को वन बाई टी माइनस वन, देखो x को क्या लेना है, वन बाई टी माइनस वन, एंड डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टी स्क्वायर डी टी, तो ये लिखना पड़ेगा माइनस वन बाई टी स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टी स्क्वायर डी टी, ये हो गया, एक्स प्लस वन को वन बाई टी, और एक्स स्क्वायर का मतलब वन बाई टी माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ वन बाई टी है, माइनस रहने दो बाहर, ये है वन बाई टी, आराम से बस आपको सॉल्व करना है, लास्ट में जो इंटीग्रेशन मिलेगा बहुत ही आसान मिलेगा, मतलब उतना मुश्किल नहीं मिलेगा, ये टी स्क्वायर नीचे आएगा, बाई टी, अच्छा ये रूट में था ना ये सब, एक्स प्लस वन को तो ये लिख दिया वन बाई टी, और ये जो है ये पूरा रूट के अंदर है, ये पूरा रूट के अंदर है,
वन माइनस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई, तो रूट यहां से अगर हट गया तो ये सिर्फ टी दिखाई देगा, ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या दिखाई देगा यहाँ पे, माइनस डी टी, इसको ब्रेक कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस टू टी दिखेगा यहाँ पे, बस इतना आसान हो जाएगा। हमको तो कुछ डाउट लग रहे हैं, एक्स प्लस वन को वन बाई टी लिया तो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टी स्क्वायर डी टी ये लिखा, और एक्स प्लस वन को वन बाई टी लिया, फिर एक्स को वन बाई टी माइनस वन स्क्वायर वन माइनस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ठीक है रूट के अंदर है तो टी, टी से टी कैंसिल, वन वन माइनस टू टी माइनस टू टी, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे हो गया माइनस डी टी बाई ये, तो इसका होगा माइनस एल एन वन माइनस टू टी, और माइनस टू इसका कोएफिशिएंट है तो माइनस टू से डिवाइड होगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया हाफ एल एन वन माइनस टू टी, और टी को क्या लेना है वन बाई एक्स प्लस वन, ऊपर पावर चढ़ा सकते हैं ना रूट करके, क्या आप कर सकते हैं पावर, हाँ पावर ये रूट चला जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, फिर और भी सॉल्व, x प्लस वन माइनस टू क्या हो जाएगा x माइनस, देखो बड़ा सुंदर सा आंसर आ रहा है, हाफ ln वन माइनस टू t के बदले लिखना है, रिवर्स कर दो वन बाई एक्स प्लस वन, पावर बाद में ले जाएंगे, पहले देख लेते हैं इसमें क्या है, x प्लस वन माइनस टू यानी कि x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, अब ये टू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ln रूट x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट, ये आंसर होगा। मुश्किल नहीं था, बस आपको पता होना चाहिए था कि यहाँ पे मुझे x को वन बाई टी लेना है, उसके बाद सारा काम बहुत ही आसान। आगे बढ़े, हो गया इरेशनल फंक्शन में इतनी बातें आपको याद समझनी है, याद रखनी है, ध्यान में रखनी है, ज्यादातर वही है क्वाड्रेटिक, जहां जहां हो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला भी बैठाते जाना है, परफेक्ट स्क्वायर वाली बात, और उसके बाद इस तरीके का फंक्शन, ये क्वाड्रेटिक ही नहीं है सिर्फ, उसमें लीनियर को मल्टीप्लाई कर दिया गया है साथ साथ में, उस केस में क्या करेंगे, वो भी डिनोमिनेटर में, अगर ये न्यूमिनेटर होता तो कहानी अलग होती, इसमें इसका डेरिवेटिव इसमें हम खोजते और फिर आगे बढ़ जाते। यही कुछ थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मुश्किल पार्ट लगता है यही, बट है नहीं, याद रखना है थोड़ा सा बस। इस तरह के क्वेश्चन शायद हमने किए थे, अभी थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करते हैं, इसमें और कुछ क्वेश्चन करते हैं, 10 मिनट 10 सेकंड का टाइम है, उसके बाद मैं बताऊंगा। याद आ रहा है कैसे किया था ऐसे क्वेश्चन को, देखो इसमें मैं बता देता हूँ, याद कर लो आप, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस टू
और वन तो था ही पहले से, और यहां पे वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, यहां पे x माइनस वन बाई एक्स को t ले लिया, तो डेरिवेटिव निकालो, अब देखो यहां पे काम बन गया आपका। याद रखना इस क्वेश्चन को यार, ये बहुत जरूरी है, हमेशा आता है, ट्वेल्थ में भी हर जगह हर बुक में है और इंपॉर्टेंट है, आ चुका है कई बार। तो वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स को क्या लिख दिया, डी टी, और क्यों डी टी, इसको टी लिया हुआ है, टी स्क्वायर प्लस थ्री, इसके बाद किसको नहीं आता, आराम से कर सकते हैं, वन टी टी बाई टी स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर, वन बाई टू, वन बाई ए टेन इनवर्स टी बाई रूट थ्री, वॉट इज टी, ये हो गया। तो T के बदले ये लिख दिया, हो गया आंसर, ठीक है। तो आप ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन के अलग अलग टाइप तरीके हो सकते हैं, मैं वो सब फिर से लिख देता हूं कि जैसे ये क्वेश्चन में कैसे डील करेंगे, सेम डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कर लेंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि ये सिर्फ वन रहेगा ऊपर और आपको समझ ही नहीं आएगा क्या करें, ऐसे केस में क्या करेंगे, ध्यान देना, ऐसे केस में हम ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन खुद से लिख लिया, इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस वन को घटा देंगे, नीचे तो दोनों में सेम ही चीज है। देखो हमने क्या किया, टू लिखा है ऊपर बस, और ऐसा लिखने से क्या हो गया, ऐसा लिखने से क्या हो गया, ऐसा लिखने से मुझे ये मिला, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स पावर फोर प्लस वन डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये दोनों मिल गया। अब ये दोनों का इंटीग्रेशन करने आता है कैसे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। सो जहां पे ऊपर कुछ नहीं था वहां भी हमने जबरदस्ती कुछ ला दिया और हमारा काम हो गया। नीचे ऊपर सिर्फ एक्स स्क्वायर हो सकता है कई बार, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सेम टू एक्स स्क्वायर लिया, टू से डिवाइड किया, एक बार लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक बार लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन और वन तो ऐसे ही खत्म हो गया, नीचे दोनों में सेम था एक्स फोर वन एक्स पावर फोर वन, इनको आराम से इंटीग्रेट किया जा सकता है। दोनों नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी दोनों पूछा जा सकता है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, कर लिया। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने करवाया था शायद आपको, रूट ऑफ टेन एक्स, जो आपने कहा था इतना लंबा दो पेज का चार पेज का क्वेश्चन है, ये इसी पैटर्न पे बन रहा है। मैंने क्या बोला था, रूट के अंदर आपको कुछ भी चीज दिख जाए तो एक सॉल्यूशन तो आपके मन में आना चाहिए कि रूट के अंदर जो कुछ भी है उसको x माना जाए, उसको t माना जाए। तो रूट के अंदर जो है tan x उसको मैंने t मान लिया, tan x को t स्क्वायर मान लिया, सॉरी। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 2t dt। तो यहां पे लिखा इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x यानी कि t और dx इज इक्वल टू 2t dt बाई sec स्क्वायर x, फिर यहां पे हो गया 2t स्क्वायर और tan x को t लिखा हुआ है, तो ये sec स्क्वायर x क्या हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस 1, tan x t स्क्वायर है ना, तो sec स्क्वायर x क्या हो जाएगा, tan x t स्क्वायर है तो sec स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो क्या ये वही क्वेश्चन नहीं बन गया, थोड़ी देर पहले किया था, t स्क्वायर बाय t पावर 4 प्लस 1, इसको लिखेंगे t स्क्वायर प्लस 1, बस कर लेंगे सॉल्व। तब रूट टेन एक्स इतना बड़ा भी नहीं है, सिंपल है, क्योंकि एक पार्ट इसके बाद की कहानी को आप काउंट थोड़ी ना करोगे, ये तो आता ही है, और इसके पहले को मैंने बता दिया रूट के अंदर जो कुछ भी उसको टी एस पर लेते हैं, तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा नहीं है, नहीं है तो ये करके दिखाओ,
रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स। आप बोलोगे सर अलग अलग कर लेंगे दोनों का, हाँ वो भी कर सकते हैं। देखिए ये है रूट टेन एक्स और ये है वन बाई रूट टेन एक्स। ऐसे कर ही सकते हैं जैसे ये किया गया है ना, वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार टेन एक्स को रूट टी स्क्वायर मान लीजिए, एक बार कॉट एक्स को टी स्क्वायर मान के अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर आ जाना चाहिए, आ जाएगा। कर सकते हैं, देख लेना करके, मुझे ध्यान नहीं है एक बार कहाँ पे फंसोगे ये देखना पड़ेगा, आप करके देख लेना। टेन एक्स को अगर हम टी माने यहाँ पे तो क्या होगा, या फिर वही मान ले टेन एक्स को टी स्क्वायर ही मान ले तो क्या हो रहा है यहाँ पे, टी प्लस वन बाई टी। डी एक्स को क्या लिखेंगे, टू टी डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स टी स्क्वायर है तो sec स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स। ये दोनों को साथ लेके चल रहे हैं तो ये t और t कैंसिल हो जाएगा, टू बाहर, ये बन गया t प्लस टी स्क्वायर प्लस वन, और ये t से t कैंसिल हो गया, नीचे t पावर फोर प्लस वन। देखो फिर से वहीं पे पहुंच गए, कितना अच्छा है, एक स्टेप किया दो स्टेप किया यहां पहुंच गए, इसके बाद तो कर ही लेंगे। तो ये है। चलो इसमें कुछ पूछना है तो पूछो, हम आगे बढ़ने वाले हैं, और आज हम सोच रहे हैं इंटीग्रेशन खत्म ही कर दें, उसके बाद जब आप मॉड्यूल सॉल्व करोगे फिर पूछ लेना, फिर वो आगे बढ़ेंगे। बोलो मिटा दिया जाए इसको, देख लो नोट कर लो, पूछ लो। ये हम नोट कर लिए मेरे ख्याल से, लेकिन हम जो बोले ज्यादा इजी होता। तुम्हारे ख्याल से एक बार फिर से बोलो, तेज बोलो प्लीज। हम बोले मेरे ख्याल से हम जो बोले साइन कॉस करके, हाँ वो ज्यादा इजी होता। अच्छा करके देखते हैं फिर, चलो फिर मतलब वो रुक जाएगा, ज्यादा इजी क्या, ऐसे पैटर्न में हम लोग किए जा रहे हैं तो इस पे तो आसानी से हो रहा है। साइन बाई कॉस प्लस कॉस बाई साइन, तो ये बन गया तुम्हारा आ गया आंसर, साइन प्लस कॉस बाई कॉस साइन बाई रूट ओवर, हाँ फिर ऊपर नीचे रूट टू से कर लेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आ गया साइन टू एक्स और ये रूट टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ऐसे क्वेश्चन भी आप कर चुके हो, नीचे साइन टू एक्स रहता है तो आप क्या करते हो, नीचे साइन टू एक्स नहीं करके अगर हम आपका रूट टू साइन एक्स कॉस एक्स में प्लस वन माइनस वन करके करें तो मेरा आंसर वैसे आएगा प्लस वन माइनस। आप इसमें वन ऐड करके माइनस करना चाहते हो, बिल्कुल सही। तो रूट के अंदर यही मैं कह रहा था, वहां भी मैं साइन टू एक्स के बाद यही करने वाला था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन का रूट और ऊपर sin x minus cos x, sin x plus cos x। अब इसमें sin x plus cos x को वो कर लेंगे, t मान लेंगे। T। मैं sin x minus cos x को t। cos x minus sin x आएगा। यहाँ पे माइनस रखना पड़ेगा फिर आपको। sin x minus cos x ही तो आएगा। माइनस हियर। यहाँ वन माइनस वन माइनस sin x cos x। अब ठीक है, ये हो जाएगा वन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का रूट, तो ये बनेगा वन माइनस रूट टी और ऊपर बनेगा डी टी। कर लो, ठीक तो है, वो भी नोट कर लो, ये भी कर लो, ठीक है। ठीक है।
लिखिए डीएक्स बाई साइन पे पावर एम एक्स मतलब कोई भी पावर एम और एन साइन और कॉस पे है एंड कोई भी फ्रैक्शन कुछ भी और m प्लस एन का सम अगर 2 है तो उस केस में क्या करते हैं अगर m प्लस एन का सम 2 है तो हम क्या करते हैं पता है मतलब क्वेश्चन क्या है ये समझ लो आप जैसे ऐसा हो साइन 2 बाई 3 एक्स कॉस 4 बाई 3 एक्स ये है इन दोनों का सम क्या है पावर का सम क्या है 2 ही है ना तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं वी विल ट्राई टू क्रिएट tan इन डिनोमिनेटर विद एनी पावर हम लोग डिनोमिनेटर में टैन क्रिएट करेंगे और जैसे हम टैन क्रिएट करेंगे अपने आप ऊपर सेक बन जाएगा हमारा कोश हमारा हमारा ट्राई हमारी कोशिश सिर्फ यही होगी कि हम नीचे टैन बना पाए बस और नॉट इन दिस क्वेश्चन इन एनी ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन ट्राई टू गेट टैन एट एनी वेयर इन डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर सो यहाँ पे टैन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सोचो और बाकी चीजें अपने आप हो जाएगी लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है m प्लस एन टू हो तो पक्का सही ही होगा तो और एकदम आराम से सही होगा तो क्या करना है कैसे tan बनेगा नीचे बताओ साइन है और इसको cos से डिवाइड कर दो जब cos से डिवाइड करेंगे तो cos से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा तो ये बना dx ये बना tan और ये cos cos मिलके क्या बनेगा 4 प्लस 2 6 बाई 3 यानी कि cos स्क्वायर x अब cos स्क्वायर x ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x dx बोलो कितना आसान हो गया अब आप क्या करोगे tan को सिर्फ tan x को t मानोगे तो ये हो गया dt ऊपर और नीचे t पे पावर 2 बाई 3 सो बेसिकली ये हो गया t पे पावर माइनस 2 बाई 3 dt और इसका इंटीग्रेशन बस हो गया ना t पे पावर 1 बाई 3 बाई 1 बाई 3 सॉल्व हो गया तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं क्या था कंडीशन कि देयर सम द पावर मस्ट बी 2 और मल्टीपल ऑफ 2 दोनों चीजें लिख लो m प्लस एन इज 2 और 2m मल्टीपल ऑफ 2 तो यही काम करेंगे नीचे साइन बनाने की कोशिश करेंगे जैसे अगर यहाँ 4 बाई 3 होता तो cos 4 बाई 3 से डिवाइड करते तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो भी होता मिलजुल के पावर 2 बनता ही क्योंकि दोनों का सम का पावर 2 ही है ना तो इनका जब सम का इनका जो सम है तो 2 ही है तो यहाँ भी तो 2 बनेगा ही बनेगा कैसे भी सिचुएशन में देन 1 बाई cos sec बनेगा ही तो हमारा काम होगा ही मार्क्स मिलेंगे ही आगे बढ़ेंगे ही चलिए एक क्वेश्चन करेंगे ही तो क्वेश्चन क्या है ये वही क्वेश्चन तो नहीं है sec 1 by 3x and cosec 7 by 3x क्या होगा इसका आंसर सोचिए बताइए जल्दी 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 इसको पहले चेंज कर लेना ना dx by cos हाँ तो ये बहुत आसान है बहुत आसान में चेंज कर लेंगे किससे डिवाइड करेंगे फिर हम लोग डिवाइड करेंगे sin 7 by 3 और cos square करो फाइनल कर ले square क्यों
साइन से डिवाइड करेंगे ना तब जाके कॉट 1/3 आएगा। अरे 1/cos 1/3 एंड यहाँ पे साइन 7/3, तो किससे डिवाइड करोगे यहाँ पे, कॉस 7/3 से, और कॉस 7/3 से मल्टीप्लाई, तो ये कॉस मिलके बन जाएगा। कॉट लेना चाहते तो कॉट ले लो, फिर साइन बनाना है साइन बना लो, कॉट भी बना सकते हैं अगर हम यहाँ पे कॉस से डिवाइड ना करके साइन से डिवाइड करें तो भी गलत थोड़ी ना होगा, ठीक ही है। सो ट्राई टू क्रिएट टेन इन डिनोमिनेटर मीन्स यू कैन क्रिएट कॉट इफ यू लाइक दैट, कॉट भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे x माइनस ए पावर m एस x माइनस ए बी पावर n हो, तो यहाँ पे भी अगर m प्लस n 2 हो या 2 का मल्टीपल हो, ठीक है, या मल्टीपल ऑफ 2 हो, उस केस में भी क्या करते हैं समझने की कोशिश करना, एक जैसा काम करते हैं, जैसा उसमें करते थे वैसा ही करते हैं, ठीक है। किससे क्या करते हैं, किसी एक का पावर 2 करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन देता हूं मैं, फिर ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है, क्वेश्चन के बाद क्लियर होगा। आज खत्म अच्छे कर से दें यहाँ पे। क्या आज खत्म कर दीजिए ना क्लास यहाँ पे। क्या हुआ, हम बस, अकेले बस, बस, हैं। बस ये लास्ट है, ठीक है, पता है ये लास्ट खत्म, ये खत्म हो गया बस, ये लास्ट क्वेश्चन, ताकि ये एक्सप्लेन हो जाए और उसके बाद खत्म। यही है, तो m प्लस n की वैल्यू बताओ, m प्लस n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो इसमें क्या करेंगे हम, एक पे पावर 2 क्रिएट करना है, किसी भी एक पे, जिस पे भी चाहो। तो हमने क्या किया, x प्लस 2, x प्लस 2 पावर 3/4 से डिवाइड किया, एक सेकेंड x माइनस 1 पावर 5/4, x प्लस 2 पावर 5/4, और x प्लस 2 पावर 3/4 इंटू x प्लस 2 पावर 3/4, मतलब या तो इसका पावर 2 कर लो या तो इसका पावर 2 कर लो, तो इसका पावर 2 करने के लिए x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उतने से ही डिवाइड किया, यहाँ पे हो गया x माइनस 1 बाई x प्लस 2 पावर 5/4, और ये x प्लस 2 का स्क्वायर। बस अब बस एक स्टेप और है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x माइनस 1 बाई x प्लस 2 को t मानूंगा, अब dt निकालो, बस काम खत्म। dt निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, v du, यानी कि x प्लस 1 du माइनस u dv बाई v स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ क्या मिल गया, x से x कैंसिल, 2 माइनस माइनस 1 यानी कि 3 बाई x प्लस 2 स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे dx बाई दिस थिंग इज इक्वल टू dt बाई 3, ये हो गया dt बाई 3, और नीचे ये t का पावर 5/4, 1/3 t का पावर माइनस 5/4 dt, ये लास्ट समझ लो आप, t पे पावर माइनस 5/4 प्लस 1 बाय माइनस 5/4 प्लस 1, बस हो गया, t पे पावर माइनस 1/4 फिर माइनस 1/4, हो गया सॉल्व, मतलब उस वहां पे पहुंच गए, उसी पैटर्न पे था ये। चलो ठीक है, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हाँ बोलो, ठीक है सब, ठीक है फिर, ओके बाय।